और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बजाज पल्सर आरएस 200 को यामाहा R15 वर्जन 3 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। पहले हम बात करते हैं दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में। तो यहां पर RS 200 और R15 वर्जन 3 दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देती है लुक्स के मामले में। बोथ द बाइक्स आर फुल फेड और दोनों ही बाइक्स काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर भी है। लेकिन RS 200 में आपको फ्रंट में दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जिसके कारण बाइक और भी स्पोर्टी दिखती है। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल जाता है और अब RS 200 का लुक्स भी काफ़ी कॉमन हो चुका है, क्योंकि ये बाइक 2015 में लॉन्च हुई थी और लगभग 5 साल इस बाइक को हो चुके हैं, इसलिए अब लोगों को RS 200 ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। लेकिन R15 लवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब एक तरीके से तो इस बाइक का अभी काफ़ी क्रेज़ चल रहा है, इसलिए लुक्स के मामले में तो R15 वर्जन 3 ने RS 200 को पीछे छोड़ दिया है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, वाइब्रेशन होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। एक कांस्टेंट स्पीड पर वाइब्रेशन होता है और मेनली ये प्रॉब्लम RS 200 में होती है। जैसे ही आप RS 200 में 130 प्लस की स्पीड लिमिट क्रॉस करोगे तो इसके फ्रंट वाइजर और फेयरिंग में वाइब्रेशन फील होगा और ये वाइब्रेशन राइडर को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं, जैसे कि आप अपने फ्रंट वाइजर पर डबल स्टिकी टेप भी लगा सकते हो, जिससे वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। या फिर बेस्ट यही रहेगा कि आप सर्विस सेंटर पर जाकर वाइब्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लें। लेकिन वाइब्रेशन के मामले में R15 V3 का इंजन काफ़ी स्मूथ है। हालांकि पहले जब भी इसके टैंक पर प्रेशर पड़ता था तो वो ओपन हो जाता था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी यामाहा कंपनी ने सॉल्व कर दी है, इसलिए वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम R15 V3 में तो नहीं है। बाकी अगर कोई R15 V3 ओनर है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपकी V3 में वाइब्रेशन होता है कि नहीं। राइडिंग कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो राइडर और पिलियन सीट की कुशनिंग दोनों ही बाइक्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और दोनों ही बाइक्स की राइडिंग पोजीशन काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी है। लेकिन यहाँ पर यामाहा R15 वर्जन 3 का राइडिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि इसको राइड करने के लिए आपको काफ़ी झुकना पड़ेगा और अगर आपने लगातार 3 से 4 घंटे इसको राइड किया तो आपके पाम, शोल्डर और बैक में पेन होगा और शॉर्ट हाइटेड पर्सन के लिए ये बाइक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बट यहाँ पर RS 200 का राइडिंग पोस्चर काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको 4 से 5 घंटे लगातार भी राइड करोगे तो आपको बैक पेनिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और छोटी हाइट वाला बंदा भी इसको काफ़ी कंफर्टेबली राइड कर सकता है, इसलिए राइडिंग कंफर्ट के लिए बजाज पल्सर RS 200 बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अगर इंजन पावर की बात की जाए तो R15 V3 में आपको मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 19.3 PS एट 10,000 RPM और टॉर्क मिलता है 14.7 Nm एट 8,500 RPM। और RS 200 में आपको मिलता है 199.5cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ट्रिपल स्पार्क DTSI लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 24.5 PS एट 9,750 RPM पर और टॉर्क मिलता है 18.6 Nm एट 8,000 RPM। तो यहाँ पर RS 200 का पावर और टॉर्क ज़्यादा है R15 V3 के मुकाबले, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि R15 V3 अराउंड 152 और 153 kmph की टॉप स्पीड गेन कर लेती है और RS 200 की टॉप स्पीड है अराउंड 151 kmph। और अगर आप इन दोनों ही बाइक्स की टॉप एंड ड्रैग रेस देखोगे तो ज़्यादातर रेसेस में R15 V3 ही जीती है, लेकिन अगर आपके पास BS3 RS है तो आप जीत सकते हो, क्योंकि BS3 RS में ज़्यादा पावर है कंपेयर टू BS4 RS। अब दोस्तों, अगर पावर है तो आपको माइलेज भी कम ज़्यादा मिल सकता है, तो यहाँ माइलेज के मामले में RS 200 का परफॉर्मेंस कम है, क्योंकि इससे आप सिर्फ 35 से 40 kmph तक का माइलेज गेन कर सकते हो और वो भी तब जब आप इसको बढ़िया से मेंटेन करके राइड
करोगे, नहीं तो ये इससे भी कम माइलेज दे सकती है। लेकिन यहाँ माइलेज परफॉर्मेंस R15 V3 का काफ़ी अच्छा है, अराउंड 45 to 50 km/h, और ये बाइक इतना माइलेज आराम से दे सकती है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस बाइक की माइलेज टेस्ट वीडियोस देख सकते हो, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो माइलेज के मामले में R15 वर्जन 3 बेस्ट है। अब दोस्तों R15 V3 में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको RS 200 में नहीं मिलते हैं, और ये सेफ्टी रिलेटेड पर भी बेस्ड है। जैसे कि V3 में आपको स्लिपर क्लच मिलता है और RS में नहीं मिलता है। इससे होता ये है कि आपका इंजन और जो रेयर व्हील है वो काफ़ी फ्रीली वर्क करता है, और ये कॉर्नरिंग्स करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कंपेयर टू नॉन स्लिपर क्लच बाइक। स्मूथली गियर शिफ्टिंग होती है इसमें, और अगर आप एकदम से गियर डाउन करोगे तो जो झटका लगता है वो स्लिपर क्लच के कारण नहीं लगेगा। दूसरा, यामाहा की एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है VVA टेक्नोलॉजी, मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। ये काम कुछ ऐसे करता है कि जब भी आप 7400 RPM को क्रॉस करोगे तो उसके बाद VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी बाइक का पावर इंक्रीजमेंट बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है यामाहा कंपनी की तरफ से। तीसरा फीचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों RS 200 में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि एक 200cc के सेगमेंट की बाइक के लिए अच्छा फीचर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आजकल सभी 200cc की बाइक्स पर ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, लेकिन RS में सिंगल चैनल ABS ही आता है। और रेयर व्हील पर जो सेंसर है वो कोई ABS सेंसर नहीं, वो एक RLP सेंसर है। लेकिन यहाँ पर यामाहा ने सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपनी R15 V3 में डुअल चैनल ABS दिया है, जिससे आपका सेफ्टी लेवल RS के मुकाबले इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही बाइक्स की प्राइस के बारे में बात किया जाए तो RS 200 का प्राइस है 1,41,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और R15 वर्जन 3 का प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। अब यहाँ पर RS 200 थोड़ी सी कॉस्टली है, और पता नहीं कि बजाज कंपनी ने इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों रख दी, जबकि इसमें आज की जनरेशन के हिसाब से काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यामाहा R15 वर्जन 3 हर एंगल से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। लुक्स भी बाइक का काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर है, माइलेज भी इस बाइक से आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो, फीचर्स भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और डुअल चैनल ABS का सेफ्टी रिलेटेड फीचर इसमें आपको मिल जाता है, और प्राइस भी इसका एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप R15 वर्जन 3 ही बाय करें। बाकी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।